तो हमारा पुराना जो एपिसोड था, पार्ट था, जो पहला पार्ट था, जिसमें हमने सीख लिया है कि जो फोटो है उसकी हम साइज को कैसे सेट करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं, और जो नया पेज है, नया शीट है, उसको हम कैसे बनाते हैं, उसका रेजोल्यूशन है क्या रखते हैं, क्या साइज करते हैं, साइज हम कैसे बदलते हैं, ये हमने सीख लिया है। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि अगर हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो वापस हम कैसे आते हैं। तो अब हम आगे ये बढ़ते हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं सीखा है तो पहला वाला जो पार्ट है वो देखिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं। और ये दूसरा वाला पार्ट है। इस दूसरे वाले पार्ट में हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, यहाँ पर हम आपको फोटो में यहाँ पर स्ट्रोक कैसे लगाते हैं, और यहाँ पर हम इस वाली सीट पे, जो जिस भी सीट पे हमें फोटो को सेट करना है वो कैसे सेट करते हैं, और फिर हम कैसे इसको प्रिंट करते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो जितना हमने कर ही लिया था ये आपको पता ही है, इतना हमने कर लिया था, डुप्लीकेट वगैरह बनाना हमने सीख लिया था, इमेज की साइज को सेट करना सीख लिया था, और यहाँ पर हमने पेज बनाना भी, नया पेज बनाना भी हमने सीख लिया था। तो यहाँ पर चूंकि हम इमेज की साइज को सेट कर ही चुके हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर इंचेस में दिखा रहा है, हम यहाँ पर सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, 3.5 सेंटीमीटर हाइट है, और ये हमने फोटो बना लिया था। अब हमें इसमें क्या देना है, इसमें हमें देना है बॉर्डर। बॉर्डर किस कलर का देना है, कैसा देना है, कितना चौड़ा देना है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो बॉर्डर देने के लिए इसका एक शॉर्टकट की होता है। शॉर्टकट की देने के लिए देखिए क्या हम आपको दिखा देते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है, पहले तो आपको इस वाली फोटो को पूरा सेलेक्ट कर लेना होता है, मतलब आपको कंट्रोल बटन और ए बटन आपको दबाना होता है, जिससे आप देखेंगे कि आप इस फोटो के चारों ओर ये सिलेक्शन लाइन चलने लगी होती है, मतलब पूरा फोटो आप सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से, तो इसके चारों ओर सिलेक्शन लाइन चलने लगती है। फिर आपको इसका शॉर्टकट की दबाना है, अल्ट और ई बटन को दबाना है। अब जैसे अल्ट और ई बटन तो को दबाते हैं, जैसे अल्ट और ई बटन दबाया तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना, फिर सिंपली आपको एस बटन ही, केवल एस, देखिए कौन सा बटन, ये जो एस है ये वाला बटन ही आपको फिर प्रेस करना है। तो देखिए अल्ट और ई हमने बटन को दबा दिया है, और फिर हम दबा देते हैं एस बटन। तो अब देखेंगे कि आपके सामने फिर एक जो नया है डायलॉग बॉक्स इस तरह का ओपन होके आ जाता है, जहाँ पर हमसे मांग रहा है विड्थ। तो अगर आप कोई छोटा फोटो बना रहे हैं तो आप 5 px ही इसको रख सकते हैं, ज़्यादा हमें नहीं रखना, 5 px में अच्छा बॉर्डर आता है। अगर कोई बड़ी फोटो है तो आप 10 px कर दीजिए, और बड़ी फोटो है तो आप 20 कर दीजिए, वो देखने लगता है अभी कि कितना हमें पिक्सल रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में अगर आप रखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जो फोटो है इसके सेंटर में, मतलब यहाँ बाहर की तरफ नहीं भगेगा, इसके अंदर की तरफ ही ये लग जाएगा, और अगर आप इनसाइड कर दोगे तो फोटो के बिल्कुल अंदर ही लगेगा, यहाँ से लगना शुरू होगा और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ सकता है, और आउटसाइड अब अगर आप कर देंगे तो इसमें आउटसाइड में कोई काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जगह है ही नहीं। तो सेंटर पे ही रहने दीजिए, सेंटर पे रहने दीजिए, और आपको किस कलर का बॉर्डर देना है वो यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमें रेड कलर का देना है तो हम ओके कर देंगे, तो अब जो पिक्सल, जो 5 px का जो बॉर्डर लगेगा वो रेड कलर का लगेगा, और यहाँ पर हम ओके कर देते हैं, या फिर आप एंटर बटन दबा देंगे। तो सिंपली अभी देखेंगे कि जो आपका जो बॉर्डर है वो लग गया है, और साथ ही साथ हमको आपको दिखा दें कि जो अभी जो सिलेक्शन चल रहा है, अभी आप कुछ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमें सिलेक्शन को हटाना है। सिलेक्शन को हटाने के लिए आप यहाँ पर टूल बॉक्स में देखेंगे, ये जो वाला है मार्की टूल कहलाता है, ये वाला, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और फोटो पे या फिर कहीं पे भी इसको, फोटो के अलावा यहाँ पे कहीं पे भी इसको क्लिक कर देंगे तो जो सिलेक्शन था वो हट जाएगा। अभी जो हमने दिखाया सेंटर का, तो देखिए थोड़ा सा स्पेस बाजू से छोड़ दिया है, और यहाँ से उसने सेंटर से बॉर्डर को लगा दिया है, अगर आप इनसाइड करते तो इसके अंतर्गत अंदर अंदर पूरा लग जाता। खैर ये जो हमारा बॉर्डर है ये लग गया है, 5 px का लग गया है, हमने मार्की टूल का उपयोग करके यहाँ पे क्लिक करके वो जो सिलेक्शन चल रहा था वो हट गया है, और ये मार्की टूल है इसको आप एम बटन दबा के, मतलब जो एम है ये वाला एम है, इस बटन को दबा के भी आप सीवल इस मार्की टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने इस जो फोटो है इसको हमने यहाँ पर जो बॉर्डर है दे दिया है, अब इस वाले फोटो को यहाँ पर हमें लेकर आना है। इसके दो तरीके हैं, कौन कौन से तरीके, अगर आप यहाँ पर टूल बॉक्स में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे टूल बॉक्स में, तो यहाँ पर जो रहता है मूव टूल कहलाता है, पहले तो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा ऐसे, और फिर इसको उठा के आपको यहाँ पर पटक देना है, इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको उठा के खींच के लेकर आना है, क्लिक करके हुए माउस का, और यहाँ पर पटक देना है, तो ये फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगी, और इस तरह से आप फोटो ला सकते हो। दूसरा और अच्छा और सबसे जो तरीका होता है वो ये रहता है कि ये जो फाइल है, ये आपकी फ़ोटो है, इसको सबसे पहले पूरा सेलेक्ट कर लो, मतलब क्या वही कंट्रोल और आल, ये कंट्रोल किया और ए बटन दबाया,
ये वाला ए, तो अब देखेंगे कि इसके चारों तरफ सिलेक्शन चलने लगा है, मतलब ये फाइल है, फोटो है, वो सेट हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल और सी से इसको कॉपी कर लेंगे, हमेशा की तरह जो हम कॉपी करते हैं। कैसे, कंट्रोल, ये जो आपके सामने कंट्रोल है और ये सी है, इससे हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो जो हमारी फाइल है, इसको हमने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। फिर इस वाले पेज पर आएंगे जो हमने बनाना आपको पहले ही दिखा दिया है, इस वाले पेज पर आएंगे क्योंकि हम A4 वाला पेज उपयोग कर रहे हैं। तो इस वाले पेज पर हम जैसे आएंगे तो यहाँ पर हम कंट्रोल और वी बटन को दबा देंगे, मतलब कौन था ये कंट्रोल और ये है वी, इसको हम इसको दबाएंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि आपके सामने ये जो A4 पेपर पर जो आपकी फोटो है ये सेट हो गई, ये फोटो आ गई। अब हम इसको जो हमारा मूव टूल है ये वाला, इसको हम क्लिक करके यहाँ से उठा के यहाँ वहाँ हम रख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको सेट करके जमा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये प्रॉब्लम और भी आ सकती है कि अगर यहाँ जो हमारे सामने इस तरह का स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ आसपास में ये कुछ सेलेक्शन बॉक्स दिख रहा है, आपको ना दिखेगा, उसका कारण ये रहेगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पर चेक बॉक्स को हटा दिया है, अगर आपके पास ये चेक बॉक्स नहीं लगा है तो आपके सामने ये जो है जो आस पास का जो बॉक्स है वो नहीं दिखेगा। इसलिए आपको यहाँ पर जो सो बाउंड्री बॉक्स है इसको आपको ऊपर जो बाउंड्री बॉक्स है इसको आपको चेक कर देना, जिससे कि आपके सामने जो बाउंड्री बॉक्स है वो चालू हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें इस फोटो को सेट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम फोटो को जमाते रहेंगे कि कितनी फोटो हमारी आ रही है, लगभग हमारी 6 फोटो यहाँ पर आ जाएंगी। ये आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं, हालांकि इसका एक्शन है आप सिंपल एक क्लिक करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली 6 फोटो जम जाएंगी। वो हम आगे वीडियो में बताएंगे कैसे एक्शन को यूज करते हैं, कैसे लोड करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर दिखाएंगे, पर ये बेसिक चीजें आपको आना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर आपको यहाँ पर जमाना दिखाते हैं। जमाने के लिए आपको पहले तो वो चाहिए कि हमें फोटो कहाँ से इसको जमाना है। तो आपको देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है व्यू में, और व्यू में आने के बाद में यहाँ पर सो एक्सट्रैक्ट के नीचे लिखा सो सो पर कर क्लिक करना है, और नीचे लिखा ग्रेड, तो ग्रेड पर क्लिक कर देना। अभी जो ग्रेड ओपन हो जाता है, ग्रेड ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, ये देखिए ऊपर की एक लाइन छोड़ देना है और बाजू की एक लाइन छोड़ देना है, ऐसे ही ऊपर की एक लाइन और बाजू की एक लाइन छोड़ देना है, ताकि क्योंकि वहां से पेज कट जाता है। तो बाकी यहाँ से इस कॉर्नर से हमें फोटो को जमा देना है। अब जो यहाँ से कटेगा नहीं, ऊपर से भी नहीं कटेगा। अब फोटो को हमें लगातार इसके बाद में हमें यहाँ पे जमाते जाना है। तो फोटो को इसको हमें सीधा सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अब इसको उठा के मतलब इसके ही हम एक और लेयर बना के इसको फोटो को यहाँ से हम रखते जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ये जो अल्ट वाला बटन है ये वाला, ये दबा के रखना है, ये वाला, ये देख लीजिए अल्ट वाला, ये वाला बटन। तो हमने अल्ट बटन को दबा के रखा है, ये दबा लिया है, और माउस का जो क्लिक है, माउस का पहले तो आपको देखिए ध्यान से देखिए अल्ट का बटन के पहले आपको ये मूव टूल है ये वाला, इसको आपको क्लिक करना है। फिर आपको जो अल्ट वाला बटन है इसको आपको दबा के रखना है, ये वाला हमने दबा के रखा है, ठीक है। और इस वाली फोटो को आपको माउस का लेफ्ट वाला क्लिक करके ऐसे खींचना है, तो आप देखेंगे इसका फोटो का डुप्लीकेट बनता जाएगा। फिर इस वाली फोटो को अल्ट दबा के रखना है, इस वाली फोटो को अभी क्लिक हमने छोड़ दिया है, फिर हमने क्लिक किया इस वाली फोटो को और फिर हमने इसका डुप्लीकेट बना लिया, फिर छोड़ दिया और फिर हम अल्ट दबाए हुए हैं पहले से, फिर हम माउस क्लिक करेंगे और इस फोटो को हम डुप्लीकेट कर दे जा रहे हैं। इस तरह से ये हम डुप्लीकेट करते जा रहे हैं, अब फोटो ज़्यादा नहीं बनेगी। तो अब देखिए जब हमारी फोटो आगे बननी ही नहीं है तो इतना स्पेस यहाँ से क्यों छोड़े, हो सकता है यहाँ से फोटो कटने लगे। तो हम क्या करेंगे, इस फोटो को हम राइट क्लिक करेंगे और लेयर 5 के नाम से दिखा रहा है क्योंकि लेयर 5 है, इसको हम क्लिक कर देंगे और फिर हम जो अपने जो कीबोर्ड में एरो की रहते हैं ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये लेफ्ट वाला, इसको हम दबा के फोटो को ऐसे हम यहाँ से जमाना शुरू कर देंगे ऐसे। फिर हम इस वाली फोटो पर राइट क्लिक करेंगे राइट वाला, और हम चौथे नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इस वाले एरो से हम इस तरफ खिसका लेंगे ऐसे, इस वाले को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस वाली फोटो को हम यहाँ से इसको खिसका लेंगे ऐसे, अगर ज़्यादा खिसक गया है तो हम इक्वल में ऐसे खिसका लेंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे और इस वाली फाइल को है हम ऐसे सेट करते जाएंगे, इसको खिसकाते जाएंगे। तो इस हिसाब से आप इन फाइलों को जमा सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए हमने कितना सारी चीज़ें सीख लिया, फोटो की साइज सेट करना सीख लिया, और फोटो में स्ट्रोक मतलब बॉर्डर लगाना सीख लिया, नया पेज बनाना सीख लिया, फोटो को जमाना सीख लिया। कोई भी साइज का फोटो है उस साइज का फोटो आप बना सकते हो, जमा सकते हो, उस सीट पर आप निकाल सकते हो। तो ये हमने यहाँ से सीख लिया। अब देखिए इस वाली फोटो को सिंपल अगर आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पर फाइल पर जाइए और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर प्रोसीड कीजिए और यहाँ पर जो आपका प्रिंटर है वो प्रिंटर यहाँ से सेलेक्ट करना है। हालांकि हमारे इसमें अभी कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, तो आप जो भी प्रिंटर वहाँ पर आप जाएंगे तो आप यहाँ से सिंपली
इसको प्रिंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए हम बता देते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है, आपके प्रिंटर में भी आएगा। प्रॉपर्टी पे जैसे आप जाते हैं तो यहाँ से आपके सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि आपको कैसा कैसा करना है, वो हम आपको अगले वीडियो में एक बार फिर बताएंगे कि आपको प्रिंट का सही तरीका क्या रहता है। एक प्रिंटर का एग्जाम्पल लाइव दिखाएंगे, किसी एप्सन का ले लिया, सैमसंग का ले लिया, ये आपको हम प्रिंटर दिखाएंगे लाइव कि आपको कैसे प्रिंट करना होता है। वहाँ पर भी पेज की सेटिंग की जाती है, नहीं तो आपका ये फोटो है वो कट जाता है, वहाँ पर भी सेटिंग हम जरूरी रहती है करना, वो हम आपको दिखा देंगे। ये हमारे दूसरा वीडियो है, मतलब इस कोर्स का दूसरा वीडियो है, इसीलिए अभी आप परेशान मत होइए, एक एक करके आप थोड़े और वीडियो देखेंगे, आप हर एक चीज़ को समझने लगेंगे, आसानी से उस चीज़ को जानने लगेंगे। चलिए हम अगला वीडियो देखेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, फोटो जो प्रिंटर का सेटिंग होगा वहाँ से हम शुरू करेंगे कि प्रिंटर की सेटिंग हम कैसे करते हैं और जो फाइल है उसको हम कैसे प्रिंट करते हैं। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।